नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ईरान की तरफ से खबर निकल कर आती है कि शायद ईरान जो है वो इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा मिसाइल का ईंधन जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं पूरी दुनिया के ऊपर कि ईरान को ये ईंधन कोई नहीं बेचेगा, ऐसी स्थिति में रूस से वो मिसाइल का ईंधन जो है, मिसाइल के अंदर जो फ्यूल पड़ता है उसके वो खरीदा जा रहा है ईरान के द्वारा। मन में सवाल आएगा कि इसराइल पर ही हमले की तैयारी क्यों है। तो आपके साथ कुछ दिनों पहले एक सेशन हमने साझा किया था जिसके अंदर बताया गया था कि इसराइल की सेना अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि हम इसराइल की सेना पूरी तरह से ईरान के ऊपर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो सेशन हमने किया था कुछ इस प्रकार से कि क्या दुनिया एक और युद्ध की ओर बढ़ रही है और रूस और चाइना दोनों की नज़दीकियाँ ईरान से बढ़ती हुई, क्योंकि फिलहाल में चाइना ने रसिया को अलग करते हुए चाइना ने ये जो ईरान है प्लस जो सऊदी नाम का एक देश है उन दोनों के अंदर दोस्ती करा दी थी। अब ईरान और सऊदी की दोस्ती होने के बाद शुरुआत में जो लड़ाइयाँ होती थीं सऊदी और ईरान में होती थीं, सऊदी खरीदता था वेपन्स अमेरिका से और ईरान खरीदता था वेपन्स रसिया से, तो ऐसी स्थिति में रसिया को कहीं ये ना लगा हो कि मेरा एक ग्राहक जो है वो कम हो चुका है। तो बड़े मायने हैं आज के इस सेशन के, करते हैं विस्तार पूर्वक चर्चा। तो न्यूज़ निकल कर आती है ईरान इन सीक्रेट टॉक्स विद चाइना रसिया की, ईरान जो है गुप्त वार्ता कर रहा है चीन और रूस के साथ टू एक्वायर मिसाइल फ्यूल। मिसाइल का जो ईंधन है इसको आप फ्यूल जो है, कई न्यूज़पेपर्स ने इसको गलत तरीके से भी प्रेजेंट किया है, सिर्फ इसके ऊपर फ्यूल लिख दिया गया है, फ्यूल यानी कि जो तेल होता है कच्चा तेल वो खरीदने के, लेकिन ईरान के अंदर स्वयं कच्चा तेल पैदा होता है या निकलता है, तो ऐसी स्थिति में कच्चा तेल की बात यहाँ नहीं हो रही है बल्कि मिसाइल के अंदर जो प्रयोग किया जाता है ईंधन उसकी बात हो रही है। तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इस बात को कवर किया। अब जो फ्यूल है या फिर कहें जो ईंधन है उसका नाम है अमोनियम परक्लोरेट नाम का ईंधन है जो कि मिसाइल के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको खरीदने की बात चल रही है। तो क्या इनके पास पहले से ही रॉकेट या मिसाइल मौजूद नहीं है? तो ईरान के पास काफ़ी सारे रॉकेट पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि पहले इनकी लड़ाई चलती थी सऊदी से, तो ऐसी स्थिति में सऊदी इनके ज़्यादा दूर नहीं है, तो इनके पास छोटी रेंज की मिसाइल या फिर छोटी रेंज की जो रॉकेट्स हैं वो भरपूर मात्रा में हैं। और जब बात होती है इसराइल के बारे में तो इसराइल काफ़ी एक दूर स्थित है और इसराइल के ऊपर जस्ट एक देश है जिसको हम जानते हैं लेबनान के नाम से, इसराइल के जस्ट ऊपर है, जिसके अंदर काम करता है आतंकी संगठन हिजबुल्ला जो कि ईरान समर्थित है। और दूसरा देश है इसराइल के थोड़ा सा लेफ्ट में, यदि आप देखते हैं राइट में ईस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं इसराइल के, तो वो आपको देश दिखाई देता है सीरिया नाम का। सीरिया जो है उसके अंदर से ईरान ऑपरेट करता है और लेबनान के अंदर से हिजबुल्ला नाम का जो आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, उससे ये ऑपरेट करता है। तो ऐसी स्थिति में सीरिया के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं वो मारे जाते हैं ईरान के बुरी तरह से इसराइल के द्वारा, कभी एयर स्ट्राइक कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो ईरान की सेना के लोग हैं सीरिया के अंदर जाते हैं इसराइल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, उनको इसराइल के द्वारा हमले करने के बाद मार दिया जाता है। तो अब इसके चलते ईरान चाहता है कि वो अपने देश के अंदर बैठे हुए ही इसराइल पर सीधे गोला लगा दे, तो ऐसी स्थिति में उसको चाहिए लंबी दूरी की मिसाइलें। तो ये जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं उनके अंदर प्रयोग किया जाता है अमोनियम परक्लोरेट। तो जो बात निकल कर आती है वो है ईरान नीड्स अमोनियम परक्लोरेट एपी टू बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल जो है इन्हें बनाने के लिए ईरान को अमोनियम परक्लोरेट जो है उसकी आवश्यकता है। ईरान इन सीक्रेट टॉक्स विद चाइना और रसिया दोनों के साथ ही सीक्रेट टॉक्स कर रहा है, गुप्त वार्ताएं चल रही हैं। सैंक्शनड मिसाइल फ्यूल, ये जो मिसाइल फ्यूल है ये पूरी तरह से सैंक्शनड है, सैंक्शनड मतलब ये प्रतिबंधित है। इस प्रकार से होता है अमोनियम परक्लोराइड, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला, आप देख सकते हैं। अमोनियम परक्लोराइड इज की कंपोनेंट इन सॉलिड रॉकेट फ्यूल। जो सॉलिड रॉकेट फ्यूल होता है, असल में मिसाइल जो है वो रॉकेट के अंदर जब मिसर जो कोई रॉकेट होता है यदि उसका साइंटिफिक यूज़ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है रॉकेट बोल दिया जाता है, लेकिन जब उसके अंदर गोला बम बारूद भर दिए जाते हैं रॉकेट के अंदर तो उसी को मिसाइल बोल दिया जाता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, इसका जो पेलोड होता है ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर यदि गोला बम बारूद भर दिए जाए तो यही मिसाइल बन जाता है, और बाकी यदि इसको साइंटिफिक यूज़ में लिया जाता है अंतरिक्ष वगैरह में सेटेलाइट भेजने के लिए तो इसी को जो है रॉकेट बोल दिया जाता है।
तो ऐसी स्थिति में जब बात होती है अमोनियम परक्लोराइड की, तो रॉकेट का जो फ्यूल है, सॉलिड रॉकेट फ्यूल जो है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ ऑफन यूज फॉर मिलिट्री यूज ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग सेल्फ लाइफ। यदि लंबी दूरी तक आपको भेजना है और रिलायबिलिटी, यानी कि आपने रॉकेट चलाया और वो बीच में ना फट जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होता है अमोनियम परक्लोराइड का यूज़ करना। द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एपी ईरान इज सीकिंग टू परचेज इजेंट क्लियर। कितना खरीद रहा है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन डिप्लोमेट बताते हैं कि इतनी मात्रा में खरीद लेगा कि वो अपने छोटी दूरी के काफ़ी सारे रॉकेट बना लेगा। और एक मिसाइल सिस्टम है ईरान के पास, वो है जोल्फागार्ड, आपका नाम जानते हैं इसका, जोल्फागार्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो बना लेगा। असल में जोल्फागार्ड मिसाइल क्या है ईरान के पास, तो वो है लगभग 700 किलोमीटर इस जोल्फागार की रेंज है, और अभी तक इसके अंदर जो ईंधन यूज़ होता था, इतना अच्छा ईंधन यूज़ नहीं होता था, लेकिन एपी यानी कि अमोनियम परक्लोराइड मिलने के बाद इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और ये मिसाइल जो है 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी। ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज यूज्ड देयर मिसाइल इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर ये इस मिसाइल का यूज़ कर चुके हैं ईरान और उसके जो सहयोगी देश हैं। वेस्ट एशिया को यदि आप देखें तो ईरान आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और ईरान के ईस्ट की तरफ तो ये वाला इधर ईस्ट हो जाता है, और वेस्ट की तरफ आप देखें तो इसी को जो है वेस्ट एशिया बोला जाएगा। ऐसी स्थिति में वेस्ट एशिया के अंदर जब आप जाते हैं मैप में, तो आपको यहाँ दिखाई देता है ये है इसराइल, इसराइल के जस्ट ऊपर दिखाई देता है लेबनान, और इसके बाद दिखाई देता है सीरिया। लेबनान की राजधानी है बैरूत और सीरिया की राजधानी है दमस्कस। उम्मीद है ईरान जो है यहाँ से बैठकर हमला करना चाहता है इसराइल के ऊपर, इसीलिए इसको आवश्यकता है इस अमोनियम परक्लोराइड नाम का जो ईंधन है इसकी। हेल्पिंग रसिया व्याया ईरान बाई सप्लाइंग द लेटर विद एपी, मतलब अब ईरान की हेल्प की जाएगी सप्लाई के बदले में। असल में अब ये सप्लाई जो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों ये मंगाए जा रहे हैं, तो बात निकल कर आती है कि जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ऐसी स्थिति में रसिया के समर्थन में कोई देश नहीं था, लेकिन यूक्रेन जो था यूक्रेन के समर्थन में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हुआ करता था। अब जो सबसे बड़ी गलती साबित हुई इस युद्ध के अंदर रसिया की, कि इनके पास ड्रोन नहीं हुआ करता था। ड्रोन जो था वो रसिया ने असल में बनाए ही नहीं थे, या फिर जो बनाए थे वो अच्छे ड्रोन साबित नहीं हुए, युद्ध के अंदर वो फेल हो गए पूरी तरह से। लेकिन यूक्रेन को जो ड्रोन मिले थे, चाहे वो तुर्की का ड्रोन हो, नाटो देशों ने तमाम ड्रोन बेचे यूक्रेन को, तुर्की ने बायरक्तार नाम का एक ड्रोन बेचा था, उसकी वजह से ड्रोन की वजह से बढ़त जो है युद्ध के अंदर, बढ़त नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी इतने दिनों तक रूस को बहुत भारी मात्रा में नुकसान जो पहुंचाया गया इन ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया गया। लेकिन जब बात निकल कर आती है थोड़ी सी रसिया के बारे में, तो रसिया को जो ड्रोन दिए गए थे, सबसे पहले जो देश सामने आया निकल कर वो आया ईरान। ईरान ने रसिया के बुरे समय पर अपने बनाए हुए ड्रोन रसिया को भेज दिए, जिससे कि रसिया ने काफ़ी नुकसान जो है यूक्रेन को पहुंचाया। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि ये जो मिसाइल, ये जो एपी है अमोनियम परक्लोराइड है, ये है सैंक्शनड। यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर है 2231, रेजोल्यूशन 2231 पास्ड इन 2015 में इस रेजोल्यूशन को पास किया था। कंट्रीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सप्लाइंग, ये जो है तमाम देशों को प्रतिबंधित करता है कि ईरान को अमोनियम परक्लोराइड विदाउट अप्रूवल, यूनाइटेड नेशंस के विदाउट अप्रूवल के कोई देश ईरान को ये अमोनियम परक्लोराइड नहीं बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना और जो रसिया है, दोनों के दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो क्या ये बेच सकते हैं, तो आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं बेच सकते जब तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इनके द्वारा परमिशन नहीं ली जाती। लेकिन बिना परमिशन के ही स्मगलिंग के माध्यम से भेजा जा रहा है, या फिर इस प्रकार की सीक्रेट टॉक्स चल रही हैं, यही इंटेलिजेंस से निकल कर आया है। तो क्या ईरान के पास कभी भी नहीं था अमोनियम परक्लोराइड, तो ईरान के पास अमोनियम परक्लोराइड पहले हुआ करता था। 15 नवंबर 2022 की आप खबर देखते हैं, ईरान का एक शिप था जो कि यमन के अंदर जो ईरान समर्थित विद्रोही हैं उनके पास भेजा जा रहा था एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसको कि अमेरिका की नेवी ने डुबा दिया था इस जहाज को। द US नेवी डिस्कवर्ड अबाउट 70 टन ऑफ AP, 70 टन इस जहाज के अंदर अमोनियम परक्लोराइड हुआ करता था, एनफ टू फ्यूल अबाउट अ डजन मीडियम रेंज रॉकेट, काफ़ी सारे रॉकेट इससे बनाए जा सकते थे। शिप के ऊपर जा रहा था गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, इसको जो है डुबा दिया गया। ये जो जा रहा था ईरान का हूती रेबल्स जो है, हूती विद्रोही जो है, वो ईरान के समर्थित हैं, और उन्हीं के पास ये प्रयास जो है जा रहा था ईरान का।
ईरान स्मगल्ड ईरान ने जो है ड्रोन की अगर कहानी आप देखना चाहते हैं रसिया को, तो ईरान स्मगल्ड ड्रोन इनटू रसिया यूजिंग बोट्स एंड स्टेट एयरलाइन। अपनी खुद की स्टेट एयरलाइन यानी सरकारी एयरलाइन का प्रयोग किया गया था ईरान के द्वारा ड्रोन को स्मगल करने के लिए, मतलब ड्रोन जो पहुँचाए गए थे बनाए हुए रसिया को, क्योंकि रसिया ने ड्रोन नहीं बनाए थे, ऐसी स्थिति में मदद की गई ईरान के द्वारा। तो इस मदद के बदले में अब रसिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि इंडिया कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है रसिया को यदि कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर दी जाती है, तो बदले में हम मंगा लेते हैं उनसे तेल यानी कि कच्चा तेल। अब ईरान के अंदर खुद कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल पैदा होता है, तो इन्हें तेल की आवश्यकता नहीं है। तो जब इनके द्वारा ड्रोन भेजे गए, मदद की गई, तो बदले में क्या आएगा? तो बदले में आ रहा है अमोनियम परक्लोराइड। रसिया यूजेज मोर ईरानियन ड्रोन। आप इस न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि रसिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करता है इन मैसिव एयर अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर बहुत बुरी तरह से जो हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले, वो ईरान के ड्रोन की सहायता से किए जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान एक्नोलॉजीज इट सेंड ड्रोन टू रसिया। रसिया को जो भेजे गए, तमाम न्यूज़ में आप इस को देख सकते हैं कि रसिया के द्वारा ईरान के बनाए हुए ड्रोन यूज किए जाते हैं। न्यू यूएस सैंक्शंस। अब अमेरिका क्या करता है? अमेरिका लगाता है प्रतिबंध। असल में अमेरिका को घेरने की पूरी दुनिया के अंदर तैयारी चल रही है, और उसके अंदर चाइना रसिया के साथ मिलकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा सिर्फ सैंक्शंस लगाए जाते हैं ईरान के ऊपर, और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं जिससे कि रसिया को ये ड्रोन सप्लाई ना हो। बात निकल कर आती है इसके बाद, इफ डील गोज थ्रू, अगर ये डील जाती है निकल कर, सम ऑफ दोज रॉकेट्स को कुड एंड अप बीइंग डिप्लॉयड अगेंस्ट यूक्रेन। अब बात जो है अमोनियम परक्लोराइड की फिर से आती है, जो रॉकेट में यूज होने हैं ईरान के द्वारा। यदि ये ईरान को डील हो जाती है, अमोनियम परक्लोराइड भेज दिया जाता है, तो उम्मीद है कि ये जो रॉकेट हैं ये रसिया को बेच दिए जाएंगे, जो कि बहुत घातक हमला करने में साबित होंगे यूक्रेन के ऊपर जो रूस का हमला है वो और ज़्यादा घातक हो जाएगा यदि ये ड्रोन, ये जो रॉकेट्स हैं, ये बनने के बाद रूस के पास पहुंच जाते हैं। और दुनिया कह रही है कि रूस के पास ये रॉकेट पहुंच रहे हैं। मन में आपके सवाल आएगा कि क्या रसिया के पास वेपन्स की कमी है? असल में रसिया के पास वेपन्स काफ़ी सारे हैं और अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं। अच्छी मिसाइलों का मतलब लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं वो बना रखी हैं रसिया ने बहुत ज़्यादा। और रसिया के द्वारा बताया जाता है कि एक मिसाइल जब वो डालता है ईरान के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट आती है लगभग $1 मिलियन। $1 मिलियन यानी कि $10 लाख के करीब इनकी कॉस्ट आती है। और दूसरी तरफ यदि ईरान के बनाए हुए रॉकेट्स का यूज़ करता है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है महज $2 लाख के लगभग। $2 लाख जो है ईरान के रॉकेट की कॉस्ट आती है। तो ऐसी स्थिति में 1/5 खर्चा करने के बाद, सिर्फ 1/5 यदि खर्चा कर देगा, मतलब कुल मिलाकर अपनी एक मिसाइल के बदले में 5 मिसाइल छोड़ देगा वो ईरान की बनाई हुई, तो इससे तो युद्ध के अंदर काफ़ी सारा रुख बदल जाएगा। इसीलिए खबर निकल कर आती है, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स थ्रेटन टू चेंज बैटलफील्ड डायनेमिक इन यूक्रेन, कि यदि ईरान की मिसाइल्स पहुंच जाती हैं रसिया के पास, तो पूरा का पूरा युद्ध के हालात ये बदल कर रख देंगे यूक्रेन के अंदर। यहाँ आप खबर देखते हैं, द यूनिट कॉस्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल्स आर मच लोअर, कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है ईरान की मिसाइल की, वो बहुत कम है रसिया के मुकाबले। रसिया की मिसाइल्स महंगी है, टेक्नोलॉजी महंगी है। रसिया एंड ईरान आर कंबाइनिंग देयर बैंकिंग सिस्टम टू गेट अराउंड बींग बैंड फ्रॉम स्विफ्ट। असल में स्विफ्ट क्या है? ये स्विफ्ट है एक इंटरनेशनल सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुआ करते, SWIFT नाम से, इसको स्विफ्ट के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स होते थे उनका ये एक मैकेनिज्म है। इनसे स्विफ्ट से रसिया को बाहर निकाल दिया गया था। अब जो है रसिया अपना ग्लोबल जो पेमेंट था वो स्विफ्ट के माध्यम से नहीं कर सकता था, इसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए। तो इसके बदले में ये तैयारी कर रहे हैं कि खुद का अपना एक बैंकिंग सिस्टम बना दिया जाए। असल में रसिया के द्वारा मीर पेमेंट सिस्टम बनाया गया था दुनिया स्विफ्ट को काउंटर करने के लिए 2014 के अंदर, जब इन्होंने क्रीमिया पर हमला किया था, तब भी ऐसे ही हालत बने थे। और रसिया समझ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि करना है तो अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाना होगा। तो मीर पेमेंट सिस्टम बनाया गया था रसिया के द्वारा, और उस मीर पेमेंट सिस्टम में ईरान को जोड़ने की बात चल रही है। ईरान का जो सहताब बैंकिंग सिस्टम है उसको जोड़ने के बाद दोनों देश के बीच में जो पेमेंट है, व्यापार है, वो इस मीर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हो सकता है। उम्मीद है साथियों पूरा सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।